आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत मंगलवार को विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नालछा के परिसर में आयोजित किया गया। इस मेले में ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न बीमारियों से मरीज ग्रसित पाए गए। जिला स्तर से विभिन्न पद्धति के चिकित्सक द्वारा मेले में सेवाएं दी गई। मेले में फ्लोरोसिस बीमारी का परीक्षण किया गया, जिसमें से 9 मरीज दत्तीय फ्लोरोसिस मरीज ग्रसित पाए गए। इसके साथ ही 313 गर्भवती महिलाओं का उपचार और परीक्षण किया गया, जिसमें से गंभीर एनीमिक महिला जिनका हेमोग्लोबिन 7 ग्राम से 10 ग्राम था, ऐसी 63 महिलाओं को आयरन सुक्रोज लगाया गया। मेले में 301 लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया। नाक कान गले के कुल 45, नेत्र रोग के कुल 70, दंत रोग के 54 मरीजों का परीक्षण किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत निःशुल्क शिविर में कुल 1432 मरीजों को देखा गया, साथ ही विभागीय IEEC का प्रदर्शन किया गया। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। सर, आज मेला आयोजन किया गया, किस विषय पे किया गया? आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके अंतर्गत धार जिले में 13 ब्लॉक्स में स्वास्थ्य शिला मेला टाइप का शिविर लगाया जा रहा है। मैं CMHO और हमारी पूरी टीम यहाँ उपलब्ध है। इस मेले का मूल उद्देश्य तो यही है कि मरीजों को उनको बीमारी का उपचार उपलब्ध कराना, पर उसके साथ में दूसरा उद्देश्य ये भी है कि हमारे अस्पतालों में क्या क्या नवीन सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। तो मैं अगर शुरू से आपको बताना चाहूँ तो पंजीयन जैसे ही पेशेंट का होता है उसके बाद हम हेल्थ ID बना रहे हैं। हर एक का इंडिविजुअल हेल्थ ID, मतलब एक आदमी की एक ID बन जाएगी, जो हम आभा ID नाम से बना के दे रहे हैं। वो ID में उसके भी बीमारी की जानकारी अंकित रहेगी। जो ब्लड टेस्ट होगा वो भी पोर्टल पे उसी ID में चली जाएगी। जिला में अगर इलाज कराओगे तो वहाँ भी उसके ID में चली जाएगी। तो हमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पूरी फाइल कैरी करने वाली जो समस्या थी उसका हल हो जाएगा। एक ID लेके आप प्रदेश में कहीं भी जाके किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकोगे। साथ ही हम आयुष्मान कार्ड यहाँ बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का इलाज निःशुल्क किया जाता है। तो ये फ़ायदा ये है कि जिला अस्पताल में तो निःशुल्क इलाज होता ही है, पर शासन द्वारा चिन्हित बड़े अस्पतालों में प्राइवेट में भी इस कार्ड का उपयोग लेके हम इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं का हम उपचार यहाँ कर रहे हैं। RBSK की टीम बैठी है, 0 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मान लो किसी के हार्ट में छेद है, किसी के सुनाई देने में डिफेक्ट है, किसी के पैर मुड़े हुए हैं, तो उनकी हम जाँच करके फिर इनको यहाँ से भोपाल इंदौर भेज के इनका उपचार कराएंगे। उनको हम यहाँ चिन्हित कर रहे हैं। आयुष विभाग की टीम लगी हुई, आयुष की दवाइयाँ यहाँ मिल रही है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हैं। हमारी गर्भवती माताओं के लिए हमने ब्लड टेस्ट की सारी सुविधा, और विशेषज्ञ जिला स्तर से आए हुए हैं, उनके सारों के टेस्ट और जिसमें खून की कमी है उनको हम आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन तत्काल यहीं लगा दे रहे हैं। नसबंदी के लिए बात हुई हमारी, नसबंदी के ऑपरेशंस भी हम यहाँ कर रहे हैं। हार्ट का डॉक्टर विशेषज्ञ जिला स्तर से आके बैठा हुआ है, नेत्र रोग विशेषज्ञ बैठे हैं, ENT विशेषज्ञ हैं, ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ हैं, पीडियाट्रिशियन है, तो सभी प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ उपलब्ध हैं। जो इलाज यहाँ हो सकेगा वो हम यहाँ करेंगे। जिसको ऑपरेशन की आवश्यकता है, 2-3 मरीज हमें मिले जिनको बच्चेदानी के ऑपरेशन की आवश्यकता है, एक बच्चा अपेंडिक्स का मिला, इनको हमने नाम नोट कर लिए, फिर हम इनको यहाँ से रेफ़र करवा के वहाँ ले जाएंगे और इनका निःशुल्क ऑपरेशन कराएंगे। इस प्रकार की सुविधा सबको देंगे। और सबसे बड़ी बात रहेगी कि हमारे पास जो जो योजनाएँ हैं, ये सारी योजनाएँ यहाँ हमने स्टॉल लगाए हुए हैं, जनता को उसकी भी जानकारी मिलेगी। और इस मेले में अभी 1000 के आसपास पंजीयन हो चुका है और मरीज आ ही रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा आप सभी को कि आप लोगों के प्रोत्साहन से लोग यहाँ आए, और BMO साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अच्छे प्रयत्न करके अच्छा कैंप की व्यवस्था करी। थैंक यू। मैं डॉक्टर शिरीष रघुवंशी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी धार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।